अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हमने बोला कि वहाँ कैमरा चेक करो जिस होटल में लड़की को लेके जाता था, आपकी लड़की के यहाँ पे पैसा लेके मेरे को बोला गया पुलिस के द्वारा कि आप आ जाइए। जब मैंने जाके देखा तब तो मेरी लड़की की डेड बॉडी मिली, मेरे को मरी हुई मिली। तो उसके बाद में वहाँ पे जब हमने बोला कि लड़के के साथ और जब हमने लड़की की डेड बॉडी देखी तो उसको सब निशान थे, काले काले यहाँ भी निशान थे। और फिर डॉक्टर साहब ने सुबह PM करके दिया, उस समय हमें कुछ भी नहीं बताया। फिर हम लोग घर लेके चले गए लड़की को, हमने बोला कि इसका अंतिम संस्कार करो, फिर हम आप लोगों से बयान लेने आएंगे। तो वो बयान लेने नहीं आए सर, और 15 दिन तक हो गए मैं रोज़ फोन लगाऊँ, रोज़ परेशान हूँ। उन्होंने फिर ये कहा कि मैंने FIR इसलिए नहीं लिखी कि इसमें मेरे को धाराएँ बढ़ानी है, तो बोले मैं इसमें 376 के धारा लगाऊंगी, तो तुमको मैंने इसलिए अभी तक टाइम नहीं करी। तो हमने बोला ठीक है मैडम। फिर इसके बाद में हम लोग घर आ गए वापस। फिर मैंने बोला मैडम साहब रिपोर्ट दे दीजिए, तो बोले कल ले लो। तो तुमने मौका भी नहीं दी। फिर मैंने डर बोला तो बोले कि आज हम लोग मीटिंग में 8 तारीख को बोले मीटिंग में 5 तारीख को बुलाया तो बोले 5 तारीख हो गई है। तो 5 से मैं कंटिन्यू फोन लगा रही, तो हमने बोला कि आप 9 तारीख को मिले, तो 9 को गई मैं, तो 9 को मैडम नहीं मिला मेरे को। फिर मैंने वहाँ पे जो पुलिस वाले थे कर्मी, उनने मेरे को बोला कि आप पापी ले जाइए PM के। तो मैंने वो पापी देखे सर, तो उसमें जो धारा मैडम ने बोली थी वो लगी हुई नहीं थी। तो बोले इसने तो लड़की ने खुद ने मौत से सुसाइड करा है, उसमें वो धारा नहीं लगी थी। तब मेरी क्या गलती बताइए, 15 दिन बाद में को, और मैं अकेली लेडीज हूँ, आशा वर्कर भी हूँ मैं, और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ, मेरा परिवार में कोई भी नहीं है सर। तो मैं 1 महीना होगा अभी मेरे समाज वाले भी कोई नहीं खड़े थे, आज ये मेरे समाज वाले हैं, उन लोगों ने मेरी मदद करी एक दूसरे के द्वारा, तो मैं आज आप तक आई और मेरी आपसे फोन पर भी बात हुई थी सर। कपड़े भी बताओ, कपड़े मेरी आपसे बात हुई थी सर, आपने बोला था कि हो जाएगी कार्रवाई, और एडिशनल से आपसे भी बात हुई थी मेरी, आपसे भी हुई थी सर, आपके नंबर भी थे, मैंने आपको जो कपड़े लड़की पहनती गई थी सर, मेरे साथ बैठ जाइए फोन पे, आपको पूरी डिटेल समझ लीजिए सर। जो लड़की घर पे कपड़े पहनती गई थी वो लड़की तो बगल में उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरे बात लड़की क्या होता है जी, गब्बर समझा दे वो ले लेगा दी, आशा शंका जो आपकी है ना, वो हम एक एक डिटेल क्या क्या होता है, कार्ड के से वजह सबूत जब तक ये करने के तो व्हाट्सएप को अवगत करा। इस मामले को लेकर पहुंचे तो क्या घटना हुई बोली है यहाँ पे आपकी लड़की के साथ क्या पूरा मामला है? 25 जनवरी से घर से गई थी शाम को, और फिर 26 जनवरी को मेरे पास फोन आता है शाम को कि आपकी लड़की सतवास अस्पताल में है। तो हम जब गए तो हमको लड़की की डेड बॉडी मिली, हमारी लड़की हमको मरी हुई प्राप्त हुई। फिर उसके लिए अभी तक पुलिस के द्वारा 15 दिन तक हमारी FIR नहीं लिखी गई, वो 15 दिन बाद FIR लिखी, तो उसमें जो धाराएं उनने बढ़ाने का बोला था, हमको रोज़ के रोज़ बना रहे थे आज करेंगे कल करेंगे, वो धाराएं नहीं लगाई गई, और उसके लड़के के घर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। क्या नाम था आपकी लड़की का? मुस्कान लोड। मुस्कान लोड। लोड कब लापता हुई थी घर से ये? 25 जनवरी। 25 जनवरी को। और इसकी डेड बॉडी कब मिली? 26 जनवरी। 26 जनवरी शाम को 7:30 बजे फोन। आपने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी थाने वाने पे कहीं भी? फिर आपको सूचना कहाँ से मिली थी कि लड़की की आपकी डेड हो गई है? सतवास थाने से। अच्छा, आपने किसी भी आरोप लगाए थे कि लड़की के साथ जो किसी ने कुछ घटना करी? आरोप लगाया था, लड़के का नाम है रोहित, क्या बोलते हैं, हेमंत राठौड़ है, तेली समाज का है। पुलिस को सूचना दी थी आपने इसकी?
पुलिस को बताया था नाम है? उससे पहले 2022-23 में मैंने सूचना दी थी कि ये लड़का के कारण मेरी लड़की बहुत परेशान हो रही है, लड़का आवेदन भी है, आवेदन भी अपने पास, फिर भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी पहले भी, और उसको समझा के फिर भी 2-3 बार छोड़ दिया गया पहले भी, और कई बार लड़की को पुलिस के द्वारा भी घर लाया गया, मतलब मार के रास्ते में पटक देता था, बेहोश हो जाती थी, ऐसी कंडीशन में पुलिस घर लेके आई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी आपने एडिशनल साहब से मिले तो नाम बताया आपने इनको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला गांव। कहाँ के निवासी हो आप? ग्राम बचखाल के तहसील खाते को लेकर यहाँ पे आया था, क्या मामला है आपका? हम इसलिए आए थे, मुस्कान लौट के संबंध में आए थे हम, उसको 25 को गायब हुई थी घर से, वो 26 जनवरी को मिली वो, और वो ऐसी मिली मृतक मिली, मृतक पाई गई वो, और हाँ अभी साहब साहब को उसके पूरे मामले को लेकर चर्चा है तो क्या बोले साहब? साहब ने ये बोला कि भाई हमने क्या बोले, हम ये जो धारा है बताई उन्होंने रिपोर्ट की, हाँ। ना तो उन्होंने अभी तक तो कोई कापी दी हमें वहाँ हाँ। से, और उसमें कोई धारा भी नहीं थी, और ये धारा लगी थी वो भी नॉर्मल लगी थी, फिर हमने अभी एसपी साहब से हमारी चर्चा हुई, एसपी साहब ने बताया है कि एसटी की धारा भी लगी इसमें, वो 376 भी लगी, और वो डायरी में, तो हम डायरी के हमने साहब से बोला कि 376 की धारा हमें बताइए, हम देखे तो सही क्या लगी कि नहीं लगी, हमें कैसे मालूम लगी हम डायरी में लगी कि नहीं लगी, तो हमने ये कहा, उन्होंने कहा बोले तुम चले जाना वहाँ डायरी देख लेना आप, और मैं वो भी फोन कर लूँगा, तो हम ये चाहते हैं कि वो डायरी की फोटो कॉपी मिले। अच्छा आपने जी जिस पे किसी व्यक्ति बाबू को शंका थी तो उसको लेकर क्या आपसे चर्चा हुई साहब की? अभी साहब की ये चर्चा हुई कि बोले कार्रवाई तो पूरी हुई है अरे, और कार्रवाई जो बाकी है हम बिल्कुल पूरी तरह से कर रहे हैं, एसडीएम मैडम ने भी जाँच के लिए जो फरियादी उनकी जो मृतक की मम्मी से भी बात हुई उनकी, क्या वो इनके बयान भी लिए, वो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इन्होंने जो एक चीज़ लिखी कि पूरे कागज़ पर साइन किए साइन लिए वहाँ की पुलिस ने, और एक महीने तक तो मतलब 15 दिन तक तो जांच ही नहीं हुई, कोई बता ही नहीं बताया उन्होंने। अब आपका चाहते हो दर्ज, हम ये चाहते हैं कि पूरी कार्रवाई हुए, पूरी तरह से कार्रवाई हो, और ये कि अपराधी साला अपराधी उसका तो मकान भी टूटना चाहिए, ठीक है, उसका बोल्डर जैसा मकान टूटना चाहिए सालों का। मेरा नाम मोहनलाल बेगड़ा, मैं मयपुर सिटी में संभाग अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय दलित महासंघ का, ठीक एस टी एस सी 70 पोस्ट में इसके रजिस्टर करता हूँ इस केस को, ठीक है।